इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि NIOS की ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी डेट्स कौन कौन से मंथ की अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्टेट में आप लोग कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए अपनी ऑन डिमांड सीट बुक कर सकते हैं। तो एक तरह से आप लोग विदाउट लॉगिन करे ही अपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की डेट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं इजीली। तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, आप लोग सावधानी पूर्वक उसको देखें और वैसे ही आप लोग अपनी चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक वेबसाइट का एड्रेस है और इस वेबसाइट का एड्रेस है sdmis.nios.ac.in। तो ये एड्रेस पे आप लोगों ने जाना है और जैसे ही आप लोग इस एड्रेस पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक NIOS का ऑफिशियल पेज दिखेगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, टॉप में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिशन का ऑप्शन, आपने इस एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर ऑन डिमांड लिखा है और यहीं पर आपने तीसरे नंबर पे दिखना है, सॉरी सेकंड नंबर पे आपने देखना है सीट अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड। तो इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज आ जाएगा और इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाह रहे हैं। जैसे कंट्री तो आप इंडिया ही रखेंगे, इसके बाद अपना आप स्टेट चुन लीजिए, आप किस भी स्टेट से हैं, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, जो सा भी है, उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। आप लोगों को मैं एक और बार बता दूं, NIOS में जो भी स्टूडेंट है वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहीं भी दे सकता है। जो जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आप इनमें से किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा था तो आप उत्तर प्रदेश में ही जाकर के इसका ऑन डिमांड एग्जाम देंगे, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप अपनी मर्जी अनुसार किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उत्तराखंड को चुनता हूँ, स्टेट में उत्तराखंड चुना, फिर इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, किस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, ये देहरादून और उधम सिंह नगर, तो मैं देहरादून को चुनता हूँ। फिर यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर देगा। अच्छा, एग्जाम सेंटर मोस्टली ये हमारे सामने दो ही देता है, एक आपका रीजनल सेंटर जो होता है, मतलब जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है उसी को बनाता है ये एग्जामिनेशन सेंटर, और दूसरा ये केंद्र विद्यालय को बनाता है। तो यहाँ पर ही वही होगा, देखो रीजनल सेंटर के आगे RC लिखा है और यहाँ पर KV नंबर 1 और KV नंबर 2, तो मैं RC को चुनता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज आ गया कि नो डेट्स अवेलेबल फॉर दिस एग्जाम सेंटर, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि यहाँ पर तो कोई डेट है ही नहीं इस वाले सेंटर के लिए। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा एग्जाम सेंटर चुनता हूँ, KV नंबर 1 को। तो KV नंबर 1 को मैंने जैसे ही चुना, इसने मेरे सामने यहाँ पर एक डेट शीट का ये पेज शो कर दिया कि जुलाई से लेकर सितंबर तक किस किस तारीख को कौन कौन सी डेट अवेलेबल है। तो इसने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए, ये 5 तक, इधर 12th क्लास के हैं, इधर 10th क्लास के हैं, और यहाँ पर डेट्स लिख दिए कि इन इन तारीख को इन इन सब्जेक्ट का पेपर होंगे, और जो ये दूसरे नंबर पे है उनका इस तारीख को लिख दिया यहाँ पर, है ना, ये पूरा डिटेल दे दिया और इसको हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमें डेट दिखा रहा है, कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, जुलाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ये एक एरो बना हुआ, इस एरो पे क्लिक करके हमने जुलाई से अगस्त में मूव कर लिया, तो अगस्त की डेट हमारे सामने दिखाने लग गया कि किस किस तारीख को यहाँ पर सीट अवेलेबल है। जैसे 1 तारीख को ये दिखा रहा है 4 सीट अवेलेबल है, 6 को 8 है, इस तरीके से आपको पूरा दिख रहा है ना। तो बच्चा जहां भी चाहे अपना, जिस भी तारीख को चाहे अपना एग्जामिनेशन की डेट बुक कर सकता है। और यहाँ पर अगर हमें अगस्त में भी लेना है, हम सितंबर में लेना चाह रहे हैं, तो सितंबर की भी डेट दिखा रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक, आपके पास एक प्राइमरी एक डिटेल आ जाती है कि भाई हाँ ठीक है, इतनी इतनी तारीख को एग्जामिनेशन हो सकती है। फिर आपको इसके आगे की जो प्रोसीडिंग है वो हमने एक नेक्स्ट वीडियो में बना रखी है, जो आप लोगों ने चैनल पे देख लिया होगा, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको यहाँ पर डेट मिल जाती है कि ठीक है भाई हाँ, जैसे सितंबर की 4 तारीख को कोई करना चाह रहा है, ठीक है, अब उसके लिए उसको क्या क्या करना होता है, पूरा उस सीट को बुक करने के लिए कैसे फीस जाती है ना, वो सारा प्रोसेस एक वीडियो में डिटेल से दे रखा है। तो उस वीडियो का मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग अपना NIOS की ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स को पहले ही देख सकते हैं कि किस किस तारीख को यहाँ पर अभी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी कोई सवाल होगा तो आप स्क्रीन पर नंबर बनाया उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।